स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप सम नंबर 19 करवा रही हूँ मैं आपको। ए, बी और सी साझेदार हैं जो अपनी स्थायी पूंजी अर्थात ए 50,000 रुपये, बी 30,000 रुपये तथा सी 20,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने तथा बी और सी प्रत्येक 5,000 रुपये वार्षिक वेतन देने के पश्चात क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। वर्ष 2018 में ए ने 10,000 रुपये उठाए और बी तथा सी ने अपने वेतन की राशि के अतिरिक्त क्रमशः 2,500 रुपये और 1,000 रुपये उठाए। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में अ पूंजी पर ब्याज लगाने तथा ब साझेदारों का वेतन देने के पूर्व लाभालाभ खाता 45,000 रुपये का शुद्ध लाभ बतलाता था। 1 जनवरी 2018 को साझेदारों के चालू खातों के शेष ए का क्रेडिट बैलेंस 4,500 रुपये, बी का क्रेडिट बैलेंस 1,500 रुपये तथा सी का क्रेडिट बैलेंस 1,000 रुपये था और चालू खातों के शेष व आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता है। 31 दिसंबर 2018 को साझेदारी समझौते के अनुसार लाभ विभाजन करने के पश्चात साझेदारों के पूंजी खाते व चालू खाते बनाइए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:2 respectively after providing for interest at 5% per annum on their respective fixed capitals, A rupees 50,000, B rupees 30,000 and C rupees 20,000, and allowing B and C a salary at rupees 5,000 each per annum. During the year 2018, A has drawn rupees 10,000 and B and C in addition to their salaries have drawn rupees 2,500 and rupees 1,000 respectively. The profit and loss account for the year ended 31st December 2018 showed a net profit of rupees 45,000 before charging interest on capital and partner salaries. On 1st January 2018, the balances in the current accounts of the partners were A credit rupees 4,500, B credit balance of rupees 1,500 and C credit balance rupees 1,000. Interest is not charged on drawings or current accounts balances. Show the partners' capital account and current account as on 31st December 2018 after division of profits in accordance with the partnership agreement. इस सब में जो main thing यानी main points है considerable वो है first thing इनकी capital A 50,000, B 30,000 and C 20,000. इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट अलाउ करना है। बी एंड सी दोनों को 5,000 रुपीज़ पर एनम सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है हमें 5:3:2। देन ड्रॉइंग्स बताया है हमें, ए ने 10,000 विड्रॉ किए हैं, बी और सी ने अपनी सैलरी का जो अमाउंट है 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ के अलावा उन्होंने 2,500 रुपीज़ बी ने और 1,000 रुपीज़ सी ने और विड्रॉ किए हैं, ठीक है। एंड साथ में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है इनका 45,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। साथ ही साथ हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस दिए हैं तीनों के, ए का 4,500, बी का 1,500 एंड सी का 1,000 रुपीज़। ओके, तो हमें यहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स के कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सम करना सॉल्व। सबसे पहले हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा।
हमें सब में जो प्रॉफिट दिया है, सबसे पहले हम प्रॉफिट की रिकॉर्डिंग करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बाय बैलेंस बीडी। सब में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 45,000 का, तो हम वो रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट हमें सब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है हमें कि तीनों जो पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल पे 5% से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। पार्टनर्स हैं हमारे ए, बी एंड सी। सब में हमें तीनों की जो कैपिटल्स हैं वो दी हुई है 50,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़, और इस पर हमें 5% चार्ज करना है। आप अगर 50,000 रुपीज़ का 5% निकालेंगे तो आएगा 2,500, 30,000 का 5% आप निकालेंगे तो आएगा 1,500 एंड 20,000 का 5% आएगा 1,000 रुपीज़। इन तीनों अमाउंट्स का आप टोटल कीजिए, 5,000 रुपीज़ का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। उसके बाद हमें बोला है कि बी एंड सी दोनों को सैलरीज प्रोवाइड की जाती है 5,000 रुपीज़ पर एनम, तो टू सैलरीज अकाउंट बी एंड सी बोथ आर गेटिंग 5,000 रुपीज़ पर एनम एज सैलरी। टोटल हो जाएगी इन दोनों की मिला के 10,000 रुपीज़। इसके अलावा सब में हमें इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जो कि हमारे प्रॉफिट या लॉस को अफेक्ट करते हो, तो हमें सिर्फ बैलेंस निकालना है दोनों साइड के टोटल्स को चेक करके। हमारा आएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा ये बैलेंस ए बी एंड सी। आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल है वो आ रहा है 45,000 आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा है। 45,000 में से आप डेबिट साइड के टोटल यानी 15,000 को अगर माइनस करते हैं तो 30,000 हमारा बैलेंस आ जाएगा यानी नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जिसे हम डिवाइड करेंगे अमंग ए बी एंड सी। हमें सब में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो 30,000 को हम इस रेशो में डिवाइड करेंगे। रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले के सम्स के वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, शो किया था, तो आपको ट्राई करना है। ओके, 15,000, 9,000 एंड 6,000, ये हमारा 5:3:2 के रेशो में 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट डिवाइड हो गया है। और इसके साथ ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमें प्रिपेयर करना है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पार्टनर्स के कैपिटल के जो मेन बैलेंसेस हैं वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। आप हमारा फॉर्मेट देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स ए बी सी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। तो 1st of Jan को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं बैलेंस को बाय बैलेंस सी डी। ए का बैलेंस था 50,000, बी का 30,000 एंड सी का 20,000। ईयर के लास्ट में ये बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर लेंगे 31st of December को टू बैलेंस सी डी 50,000, 30,000 एंड 20,000। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया।
इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है अपना पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। करंट अकाउंट का भी इस सब में बैलेंस हमें दिया हुआ है, ध्यान रखना है हमें ये चीज़। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, जो कि हमें सब में शो किया हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है 2018 फर्स्ट ऑफ जनवरी बाय बैलेंस बीडी। सम में हमें ए का बैलेंस दिया हुआ था 4500, बी का बैलेंस हमें दिया हुआ था 1500 एंड सी का क्रेडिट बैलेंस हमें दिया हुआ था 1000 रुपीज़। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास वो थी रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। ए का था 2500, बी का 1500 एंड सी का 1000 रुपीज़ निकला था हमारा बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन हमें बोला है बी एंड सी को सैलरी प्रोवाइड की जाती है, तो बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी ओनली बी और सी को प्रोवाइड की जा रही थी, तो उन्हीं के कॉलम्स में लिखेंगे हम, ए के कॉलम में डैश कर देंगे। एंड सबसे लास्ट में हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस हमने निकाला था 30,000, उसे हमने 5:3:2 के रेशो में डिवाइड किया था, यानी 15,000, 9,000 एंड 6,000 रुपीज़। सब में हमें ड्राइंग्स दिया हुआ है, इससे रिलेटेड एक कैलकुलेशन भी है जो हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे 31 दिसंबर को टू ड्राइंग्स अकाउंट, ए का ड्राइंग्स हमें डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ था इसका 10,000 रुपीज़, तो हम वो लिख देंगे। बट बी एंड सी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि बी और सी ने जो ड्राइंग्स यानी विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, अपने सैलरी के अमाउंट के साथ साथ उन्होंने कुछ अमाउंट और विड्रॉ किया था, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स ऑफ बी, बी की सैलरी का अमाउंट था 5,000 रुपीज़, प्लस हमें सब में बोला है कि उसने इन एडिशन ये विड्रॉज 2,500 रुपीज़, तो इसका टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 7,500 एंड टोटल ड्राइंग्स ऑफ सी, सी के ड्राइंग्स की बात करें तो उसने भी सैलरी के साथ साथ एडिशन में 1,000 रुपीज़ और विड्रॉ किए थे, तो इसके हो गए 6,000 रुपीज़। ठीक है, तो बी का ड्राइंग्स हमने अभी कैलकुलेट किया 7,500 एंड सी का 6,000 रुपीज़। ओके, तो अब हम टोटल करके डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं इनके। आप टोटल करके देखिए 22,000 ए का टोटल आ जाएगा, $17,000 बी का टोटल एंड 13,000 आ जाएगा सी का टोटल। ठीक है, अब इन टोटल्स में से हमें डेबिट साइड के अमाउंट को माइनस करके और बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। टू बैलेंस सीडी, आप 22,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ ए का बैलेंस आ जाएगा 12,000। देन 17,000 में से आप 7,500 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 9,500 एंड 13,000 में से आप 6,000 अगर माइनस करेंगे तो 7,000 आ जाएगा सी का बैलेंस। अब आप देखिए दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो गया है हमारा 22,000, 17,000 एंड 13,000। ठीक है, इस टाइप से ये सम भी कंप्लीट हो गया। इस सम में सिर्फ एक ही चीज़ थी जो डिफरेंट थी, इसलिए ये सम मैंने आपको करवाया कि यहाँ सम में बोला था कि इन एडिशन टू सैलरी
बी एंड सी ने एडिशनल अमाउंट और विड्रॉ किया है 2500 एंड 1000, तो सैलरी एंड ड्राइंग्स के अमाउंट को हमें प्लस करके टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से सैलरी अकाउंट को हमने क्रेडिट भी कर दिया दोनों के अकाउंट में, एंड सैलरी प्लस एडिशनल ड्राइंग्स के साथ हमने इस अमाउंट को ड्राइंग्स अकाउंट में एक बार डेबिट भी कर दिया है। तो ये सब यही कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।